हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ का चैप्टर 7 जन्मभूमि रीड कराऊंगी। ये जन्मभूमि एक पद्य है, ये मीन्स एक कविता है, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बताती हूँ, उनका जीवन परिचय देती हूँ। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943-44 ईस्वी में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग दिया। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के सलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद जैसे प्रमुख काव्य किसने लिखे हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाटक, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। तो ये जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरवगान किया है। तो इसमें कवि ने बताया है कि हमारी जन्मभूमि भारत की महत्व का एक महत्व है और इसका वर्णन इसमें किया गया है। कवि ने देश के गौरव पर्वतराज हिमालय, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों, राम लक्ष्मण श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों तथा सीता सावित्री अहिल्या जैसी महान नारियों व ध्यान ज्ञान मग्न तथा वसुधैव कुटुंब की भावना का महत्व दर्शाते हुए जन्मभूमि को, हमारी जन्मभूमि है, जन्मभूमि क्या होती है? जिस पर हमारा जन्म होता है, तो उस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ बताया है। ओके, तो यहाँ पर चलिए हम ये कविता रीड करते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका अर्थ समझाऊंगी, भावार्थ समझाऊंगी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी। तो जननी मीन्स क्या होता है? तो यहाँ पर मैं पहले रीड करती हूँ, फिर अंडरलाइन करूँगी, आप लोगों को एक एक मीनिंग समझाऊंगी। ओके, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी, जिसका गौरव भाल हिमालय, जिसका गौरव भाल हिमालय, स्वर्ग धरा हसती चिर श्यामल, ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसती। ओके, चलिए मैं आप लोगों को इसमें मीनिंग समझाती हूँ और एक एक शब्द का आप लोगों को मीनिंग बताती हूँ। तो यहाँ पर जननी मीन्स क्या होता है? जननी मीन्स होता है हमारी माता। जन्मभूमि क्या होती है? जन्मभूमि मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ पर किसी का जन्म हुआ हो तो वो क्या होती है? जन्मभूमि। स्वर्गादपी, स्वर्गादपी मीन्स स्वर्ग से भी। चिर, चिर मीन्स क्या होता है? बहुत। चिर मीन्स क्या होता है? बहुत। ओके, गरीयसी, गरीयसी मीन्स होता है श्रेष्ठ यानी महान। जिसका गौरव भाल, भाल मीन्स क्या होता है? मस्तक। ओके, हिमालय तो आप लोग को पता होगा,
हिमालय एक सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके, अब आया स्वर्ग, स्वर्ण धरा। स्वर्ण तो आपको पता है, स्वर्ण मिस होता है सोना, धरा मिस होता है पृथ्वी। ओके, चिर, चिर का मैंने अभी ऊपर मीनिंग समझाया था, चिर मिस होता है बहुत। श्यामल, श्यामल मिस श्याम, श्याम होता है थोड़ा सांवला यानी कुछ कुछ काला। ओके, ज्योति ग्रंथित, तो ज्योति ग्रंथित मिस होता है ज्योति से गुथा हुआ, गुथा हुआ यानी जैसे माला कैसे फूलों से गुथी हुई होती है, इसी तरह से प्रकाश से पूरी तरह से गुथा हुआ। गंगा यमुना जल, वह जन जन, जन जन क्या, हर एक इंसान के हृदय में बसी हुई है। ओके, चलिए मैं अब आप लोगों को इसका मीनिंग समझाती हूँ। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, तो हमारे कवि कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि क्या है, वो भारत माता, हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मीन महान भी बोल सकते हैं। ओके, एंड हमारी मातृभूमि का मस्तक क्या है, हिमालय, जिसका गौरव बाल हिमालय। तो हमारी जो मातृभूमि है तो उसका बाल मिस मस्तक क्या है, हिमालय है, जो देश का बड़ा गौरव है। ओके, क्या कर रहा है, देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित। तो क्या कर रही है, हमारे देश की जो धरती है तो वो प्रफुल्लित होकर और पुलकित होती रहती है, यानी हमेशा यहाँ पर हरियाली और खुशहाली रहती है। ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, तो हमारी मातृभूमि पर क्या है, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई हैं। ओके, तो ये फर्स्ट हमारा जो काव्य था, ये 4-5 लाइन, इसका मैंने आप लोगों को भावार्थ समझाया और मीनिंग समझाया, इसको ध्यान से सुनिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट। ओके, तो इसमें है, जिसे जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूली पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। तो इसका भी चलिए मैं, इसमें कुछ कुछ ऐसे मीनिंग्स हैं तो मैं करती हूँ। ओके, तो फर्स्ट का तो आपको मालूम है, राम सीता और लक्ष्मण बना गए पद धूली। पद मीन्स क्या होता है, तो ये पद होते हैं पैर, धूली यानी मिट्टी, धूल से पुनीता। ओके, पद धूली यानी पैरों की धूल। पुनीता मिस होता है पवित्र, पुनीता मिस क्या होता है, पवित्र होता है। गीता तो मालूम है आप लोगों को, गीता मिस भगवत गीता। बजा, बजा यानी बजा कर। ओके, बंसी, तो बंसी होती है मुरली, बांसुरी बजा कर। ओके, तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसका भावार्थ समझाती हूँ। तो इसमें कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भाई लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र हुई है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से हरेक लोगों के हृदय पर अपनी छाप छोड़ी है, और उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण ने भगवद गीता जैसे अमर काव्य की रचना करके लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। ओके, अब आइए आगे हम थर्ड वाला रीड करते हैं। सावित्री राधा सी नारी, उत्तरी आभा दे प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सारी। तो इसमें भी चलिए मैं आप लोगों को कुछ मीनिंग समझाती हूँ। तो इसमें आभा, आभा मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पर आभा मीन्स होता है प्रकाश। ओके, आभा मीन्स क्या होता है, प्रकाश होता है। और शिला, शिला तो आप लोगों को पता है, शिला मिस होता है पत्थर। तापस, तापस मिस होता है तपस्विनी, जो तपस्या करती है वो क्या होती है, तपस्विनी। सुकुमारी, सुकोमल शरीर वाली, अंगों वाली। जड़ता, जड़ता मिस होता है प्राण ना होने का भाव। और चेतना, चेतना मिस होता है प्राणयुक्त। ओके, सरसी, तो इसका चलिए मैं आप लोगों को अब मीनिंग समझाती हूँ। ओके,
तो सावित्री राधा सी नारी उतरी आवा दे प्यारी शिला बनी तापस सुकुमारी। चलिए आप इसका मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियाँ हुई थी जिनकी आभा से मानव जाति अलोकित है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहिल्या सापित शिला बन गई थी। उनके पति ने उनको, जो उनके पति थे कौन, गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, तो गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया था। उनके श्राप के कारण वो है क्या बन गई थी, शिला बन गई थी, शिला में पत्थर बन गई थी और वो एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ में परिवर्तित हो गई। ओके, अब चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं। शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यान अवस्थित तो हो ऋषि मुनिगण चिद नभ में करते थे विचरण जहाँ सत्य की किरणें बरसी। तो शांति निकेतन, शांति निकेतन क्या होता है, शांति निकेतन होता है शांति का गृह। ओके, तपोवन, तपोवन मीन्स होता है तप करने की, करने का वन, जहाँ पर जो साधु होते हैं वो तपस्या करते हैं। ध्यानवस्थित, ध्यानावस्थित, ध्यानावस्थित में ध्यान में लगा हुआ। ऋषि मुनिगढ़, मुनिगढ़ यानी ऋषि मुनियों का एक समूह, पूरा ग्रुप। चिद, चिद मीन्स क्या होता है, ज्ञान, चिद मीन्स ज्ञान, नव मीन्स तो आपको पता है आकाश। ओके, विचरण, विचरण मीन्स होता है, विचरण मीन्स आपको होगा घूमना, विचरण मीन्स घूमना। ओके, घूमना यानी भ्रमण करना जहाँ सत्य की किरणें बसी। ओके, इतना आप लोगों को बता दिया, अब मैं इसका आप लोगों को ट्रांसलेट करती हूँ। तो इसमें बताया गया है शांति निकेतन जहाँ तपोवन, तो यहाँ पर क्या है, हमारी जन्मभूमि पर क्या है, शांति निकेतन जैसा एक तपोवन है जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नवमंडल में, जो ज्ञान रूपी नवमंडल है उसमें गोते खाते हैं यानी उसमें घूमते हैं। ओके, और हमारा देश क्या है, सत्य के प्रकाश से अलोकित है यानी कि यहाँ पर क्या है, सत्य का बोलबाला है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट रीड करते हैं। आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण वह वसुदेव बना कुटुंब कम उसके मुख पर ज्योति नवल सी जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चिरगरियसी। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को मैं कुछ मीनिंग अंडरलाइन करती हूँ, उसका मीनिंग बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पर है युद्ध जर्जर, युद्ध जर्जर मीन्स होता है युद्ध से कमजोर, जर्जर मीन्स कमजोर। ओके, जग जीवन यानी संसार रूपी जीवन, संसार में जीवन होता है पुनः, पुनः मीन्स होता है फिर से। मंत्रोच्चारण मीन्स मंत्रों का उच्चारण। वसुदेव, वसुदेव मीन्स होता है पृथ्वी, वसुदेव क्या होता है पृथ्वी। कुटुंबकम मीन्स एक परिवार, एक कुटुंब होता है उस तरह से एक परिवार। ठीक है, ज्योति मीन्स तो आपको मालूम है प्रकाश। ओके, नवल, नवल मीन्स होता है नई। ठीक है, चलिए अब इसका मीनिंग सुनिए। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, तो यहाँ पर कभी क्या कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन कैसा, जीवन जो युद्ध से क्या हो गया, कमजोर हो चुका है। तो क्या कर रहे हैं, कभी क्या कहते हैं कि आज समस्त विश्व यानी पूरा संसार, जो पूरे संसार के लोग हैं उनके लोगों का जीवन युद्ध से कमजोर हो चुका है और हमारा देश युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज क्या कर रहा है, फिर से मंत्रों का उच्चारण करके विश्व शांति का प्रचार करेगा। और क्या करेगा, सभी लोग इस धरती पर सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, एक परिवार की तरह रहेंगे और हमारा क्या बनेगा, एक पूरा एक विश्व परिवार बनेगा और उनके मुख से क्या होगी, एक नई चमक होगी। तो कभी यही कहते हैं कि हमारे, हमारी जो प्रिय जन्मभूमि है भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। ओके, चलिए हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है, अब हम
शब्दार्थ पर आते हैं। कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिसका मीनिंग मैंने आप लोगों को पहले भी समझा दिया था। पहले मैं आप लोगों को शब्दार्थ रीड करती हूँ, जिसके बाद स्वाध्याय करेंगे। गरियसी, गरियसी मैंने क्या बताया था, श्रेष्ठ। ओके, ज्योति ग्रंथित, ज्योति ग्रंथित में ज्योति से गुथा हुआ, ज्योति मीन्स प्रकाश, आभा मीन्स भी प्रकाश होता है, जर्जर। जीर्णशील यानी कमजोर, वसुधा मीन्स पृथ्वी, स्वर्गादपि यानी स्वर्ग से भी, चिदमिस होता है चेतना या ज्ञान। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, समानार्थी शब्द भी ढूंढ सकते हैं। अब आइए स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, तो स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आप लोगों को आंसर टिक करके दूंगी। ओके, तो फर्स्ट है हमारा, जननी जन्मभूमि किससे महान है। तो हमारी जननी जो है, हमारी जननी जन्मभूमि किससे महान है, स्वर्ग से, तो स्वर्ग से महान है। सेकंड वाला, भारत का भाल क्या है। भारत का भाल आप लोगों को पता होगा क्या है, भारत का भाल हमारा हिमालय है। भाल मीन्स क्या बताया था मैंने, मस्तक। ओके, अब थर्ड वाला देखिए, गीता का गान करने वाले कौन थे। गीता का गान करने वाले श्री कृष्ण थे। ठीक है, इसके आंसर्स हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर नंबर 1 है, जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी हैं। तो हर जन जन के हृदय में गंगा यमुना जैसी नदियाँ बसी हुई हैं। कौन कौन सी नदियाँ, गंगा और यमुना। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड है, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की। तो ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हमारे श्री कृष्ण ने श्री भगवत गीता ग्रंथ की रचना की। नंबर 3, जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात की गई है। तो जन्मभूमि कविता में भारत की कई नारियों की बात की है, जैसे कि अहिल्या, सीता और सावित्री जैसी नारियों की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 है, शांति निकेतन क्या है। तो शांति निकेतन एक शांतियुक्त जगह है, शांतिदायक एक घर है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। अब इसमें नंबर 1 है, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है। तो हिमालय के बारे में कहा गया है कि हिमालय हमारे देश का गौरव है और ये संसार का सबसे ऊंचा और बड़ा पर्वत है, और ये क्या है, भारत का गौरवशाली भाल से कहा गया है कविता में। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं। तो कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है और इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने पैरों की धूल से पवित्र बनाया है। इसी तरह से कवि ने धरती के गुणगान गाए हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 आया, शांति सत्य अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए। तो शांति सत्य और अहिंसा का प्रचार करने वाले महापुरुष हैं गौतम बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें नंबर 1 है, कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बताया है। क्यों, क्योंकि हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। और कवि ने कहा है कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी जन्मभूमि पर रहते हैं। अब जन्मभूमि पर उनकी जन्मभूमि से उन्हें बहुत लगाव होता है और यहाँ के उन जो जन्मभूमि की जो धरती है, हमारी नदियाँ हैं, पर्वत हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रीति रिवाज, वह सब उनको क्या करती है, मनुष्य को उससे बांधे रखती है, उसकी जन्मभूमि से, और सभी को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है। ओके, अब सेकंड देखिए, जन्मभूमि में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएँ बताई गई हैं। तो ये मैंने आपको जब कविता रीड कराई थी उसका भावार्थ समझाया था, तो उसमें मैंने विशेषताएं बताई थी, कई विशेषताएं बताई थी, जैसे कि
यहाँ पर हमारे क्या गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं, और राम लक्ष्मण सीता ने अपने क्या चरणों की धूल से पवित्र किया था हमारी धरती को, और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता की रचना की थी, और सावित्री राधा और अहिल्या जैसी महान नारियों ने क्या किया था, हमारे देश को आलोकित किया था, इस धरती को आलोकित किया था, और ऋषि मुनियों ने ध्यान तपस्या करके क्या किया था, यही इसी धरती पर ज्ञान प्राप्त किया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। तो इसमें यही बताया गया है कि हमारे भारत में अनेक महान नारियां हुई थी, जैसे सीता, सावित्री, अहिल्या। तो इस तरह की नहीं, सीता जी ने क्या किया था, अपने पति की आज्ञा का, यानी पति के साथ उन्होंने क्या किया था, 14 वर्ष वन में रहीं, उनकी आज्ञा का पालन किया, उनकी रक्षा की। और सावित्री ने क्या किया, अपनी पवित्रता दिखाई, उन्होंने यम से अपने पति के प्राण बचाए थे। और अहिल्या ने क्या किया था, अहिल्या कौन थी, गौतम ऋषि की पत्नी थी, जो अपने पति के साप के कारण शिला बन गई थी, और श्री राम के चरण स्पर्श से उनका उद्धार हुआ था। ओके, अब नंबर 4 है, भारत विश्वदूत क्यों कहलाता है। तो भारत विश्वदूत कहलाता है क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है, सत्य अहिंसा हमारे कौन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है, तो हमारा भारत सबसे आगे आकर वहाँ पर क्या करता है, शांति स्थापित करता है, और शांति स्थापित करने में सदा आगे रहता है। इसीलिए हमारे भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें नंबर 1 है, जिसका गौरव भाल हिमालय। तो इसमें फर्स्ट का क्या होगा, तो एक कौन सा है, तो हिमालय क्या है, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पर्वत है, इसे भारत का सिर यानी सिर कहा गया है, क्योंकि सबसे ऊंचा है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जनता बड़ी बनी चेतना सरसी। तो इसका भावार्थ होगा, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, वो पति के साप के कारण शिला बन गई थी, और वो एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई थी। ओके, अब नंबर 3 है, वह वसुदेव बना कुटुंबकम। तो भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, मंत्रों के उच्चारण से, यानी उन्होंने कई ऐसे सुझाव दिए, उसके द्वारा विश्व में शांति का प्रचार किया, और पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दी। ओके, ये हमारा फिनिश होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। तो इसमें फर्स्ट है जननी। जननी मीन्स क्या होता है, माता। ओके, ज्योति। ज्योति मीन्स होता है प्रकाश। शिला। शिला मीन्स क्या होता है, शिला मीन्स होता है पत्थर। बिचड़। बिचड़ करना मैंने क्या बताया, घूमना। ओके, गौरव। गौरव मीन्स होता है बड़प्पन। ठीक है, पुनीत। पुनीत का मीनिंग मैंने क्या बताया था, पवित्र। ओके, तो इसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर रीड कराया, ये कविता थी, इसका भावार्थ समझाया, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और अपनी नोटबुक के अंदर इसका भावार्थ लिखिए, और आप लोगों को क्या करना है, स्वाध्याय, जो मैंने स्वाध्याय आप लोगों को पूरा आंसर्स बताए हैं अपनी नोटबुक के अंदर, पूरा स्वाध्याय में से एक्सरसाइज फिल कर लीजिए। ओके, थैंक यू।